ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्रिकेट मैच खेलो और तुमको यदि ये चाहिए कि हमारे मोहल्ले में जो राम जतन है उसकी बॉलिंग तुमको मिले धीमे धीमे वाली, तो ये तो नहीं ना संभव बेटा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो उछाल खाती हुई पीछे होंगी उसके ऊपर फिर कोई ब्रेटली जैसे स्पीड वाला बॉलर आएगा गेंद फेंकने के लिए और मैग्रा जैसा स्विंग वाला आएगा बॉल फेंकने के लिए, तो उसे तुम्हें फेस करना पड़ेगा। वही यूपीएससी है। यूपीएससी का मतलब ऑस्ट्रेलिया के पर्थ की उछाल खाती हुई पिच और उसके ऊपर ब्रेटली के स्पीड वाली गेंद और उसके साथ ही मैग्रा की जो कंट्रोल्ड गेंदबाजी है कि जिसमें कि लाइन और लेंथ सूते से नाप के उसने फेंका है और उसके अंदर स्विंग भी और उसके ऊपर बाउंस भी, तो तुम्हारी छाती को छूते हुए जाएगी। तुम अपनी छाती को बचाओगे तो बैट को छू लेगी गेंद। यही यूपीएससी है। तो उसके अंतर्गत तुम्हें निश्चित तौर पर अपने को तैयार करना पड़ेगा कि हम यूपीएससी के कठिन से कठिन पूछे जाने वाले सवालों के लिए प्रिपेयर करें। इसके शब्द ही तुम्हारी परीक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे प्रवहन हो, चाहे प्रतिमोक्ष का नियम हो, चाहे प्रवज्ञा हो, चाहे उपसंपदा हो। ये वो शब्द हैं जो कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में होंगे। यदि हम इन शब्दों को छोड़ दें तो फिर तुम्हारे प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं हो।